2020 संडे रविवार हो चुका। वैसे तो आजकल रोजाना ही संडे ही हो रहा, लेकिन फिर भी आज रियल वाला संडे। और इसी दरमियान अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से आज के मुख्य समाचार और टूडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में। अपन जानेंगे दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। मोदी सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने बात की है। आखिर क्या फैसला हुआ ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा क्या दोस्तों 15 अप्रैल के बाद देश में लॉकडाउन खुल जाएगा और उसके बाद रेलें चल जाएगी या नहीं, इसको लेकर भी भारतीय रेलवे ने क्लेरिफिकेशन जारी किया जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि मीडिया में कुछ अलग ही बातें चल रही है और ये अलग है। साथ ही दोस्तों मौसम समाचार की तरफ से आंधी तूफान को लेकर भी कई राज्यों में भयंकर चेतावनी आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान। तो कुल मिलाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में जानने मिलने वाली है, इसलिए बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चले आपको पहले अपडेट में तो देख पा रूंगे पूरी दुनिया में फैली इस चीनी बीमारी को लेकर पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से फोन पर बात की है और एक दूसरे की मदद पर सहमति भी जताई है। भारत और अमेरिका साझेदारी के साथ पूरी ताकत से इस बीमारी का सामना करेंगे, ये कुछ चर्चाएं हुई। जी हाँ, 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच पूरा देश इस महामारी से डटकर सामना कर रहा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर गहन चर्चा की। दोनों ही बड़े नेताओं ने पूरी ताकत का उपयोग करने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा दोस्तों कि उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चा काफी अच्छी रही, हमने इस बीमारी से निपटने में भारत और अमेरिका साझेदारी की पूरी ताकत का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। दोस्तों अमेरिका में भी इसके हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं। अमेरिका में अब तक 2,78,000 से भी ज्यादा लोगों के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 7,000 से ज्यादा लोग सीधे ऊपर से डर चुके हैं। वहीं दोस्तों भारत के आंकड़ों की बात करें तो भारत में अब तक टोटल 75 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और वहीं मरीजों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संकट से निपटने में लॉकडाउन का पालन जारी रखने और सामाजिक मेल जोल से दूर रहने यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने पर भी जोर दिया। इन बातों का ध्यान से अपनी जिंदगी में पालन करें। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रूंगे। इस बीमारी से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। जीएसटी मुआवजे पर राज्यों से मोहलत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ दिनों से भारत सरकार ने इसके खिलाफ अपनी जंग को तेज कर दिया और सरकार की ओर से राहत पैकेज समेत कई ऐलान भी किए गए जिसमें आम लोगों को काफी मदद भी मिली। और इसके साथ ही अब सरकार ने राज्यों को भी 17,287 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार ने यह मदद ऐसे समय में की है जब कुछ राज्यों ने अपने जीएसटी बकाए की मांग की है और भी इसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया दोस्तों, लगाया डायग्नोस्टिक किट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, देश में जो अभी इस बीमारी का संक्रमण चल रहा है इसके बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने तुरंत डायग्नोसिस किट के एक्सपोर्ट पर यानी कि डायग्नोसिस किट को भारत से बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अच्छी बात है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे दोस्तों कि 15 अप्रैल से देश भर में यात्री ट्रेनों के परिचालन की खबरों का भारतीय रेलवे ने खंडन किया। तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि कल से ही मीडिया में खूब सारी ऐसी खबरें चल रही कि 14-15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलें चल जाएगी, इंडियन रेलवे ने टिकट बुक करना भी शुरू कर दिया वगैरह 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 वगैरह, राइट। लेकिन इसी बीच भारतीय रेलवे का अब क्लेरिफिकेशन आया और उसके अनुसार दोस्तों रेल मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसने 15 अप्रैल से यात्री ट्रेनों के परिचालन की कोई भी योजना जारी नहीं की है और इस बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल बेतुकी फालतू की खबरें, उन पर आप ध्यान ना दें। जो रियलिटी और सच्चाई है वही हम आपको TLS न्यूज के ऊपर बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप रोजाना हमेशा अप टू डेट रह पाएं। भारत का एकमात्र नंबर 1 विश्वसनीय न्यूज चैनल जो है ना वो है दोस्तों DLS न्यूज, और इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमेशा अपडेट रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए अभी का भी ताकि पता चले दोस्तों कि आप अपने DLS भाई को कितना प्यार करते हो, कितना लव और सपोर्ट देते हो। और चलिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया, घर बैठे मिलेगी पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा। जहां देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को खास सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा के तहत ग्राहक अपने बैंकिंग कार्य घर बैठे ही निपटा सकते हैं। अगर ग्राहकों को नकदी रुपए की जरूरत होती है तो बैंक ग्राहकों को घर पर ही नकदी डिलीवरी करने को तैयार है। SBI अपने ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और इस समय यह सुविधा केवल सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए है। यानी कि अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं दोस्तों तो आपको कैश लेने, वो चेक जमा करना, पैसे निकालना, जो कुछ भी करना, पैसे जमा करना है, सब कुछ आप घर पर ही कर सकते हो। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए 1800111103, इस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अगर आप भी सीनियर सिटीजन दिव्यांग वगैरह कैटेगरी में आते हैं तो ही इसका फायदा ले पाएंगे, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, ओपेक देशों की इमरजेंसी बैठक 6 अप्रैल को होगी जिसमें कच्चे तेल पर बातचीत होगी। अभी जो देश में दुनिया में इस बीमारी का खोप चल रहा, प्रकोप चल रहा दोस्तों, इसी बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है, राइट। और ऐसे में कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक व निर्यातक देशों के मंच ओपेक की एक इमरजेंसी बैठक होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ये बैठक 6 अप्रैल को होगी और देखते हैं दोस्तों कि इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है। हम आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बताएंगे क्योंकि
क्योंकि इसका सीधा असर दोस्तों पेट्रोल और डीजल की प्राइस पर पड़ेगा। तो क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या फिर महंगा, ये तो हमें इस बैठक के बाद ही पता चलेगा, हम आपको बताएंगे जरूर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पाऊंगे बैंक में एफडी कराने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जून तक नई छूट दी है। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी देश के किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करवा रखी है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म नंबर 15H और फॉर्म नंबर 15G भरने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया। दरअसल दोस्तों एफडी जब समाप्त होती है तो उस पर जो ब्याज मिलता है ना, उस पर टीडीएस वगैरह काटने को लेकर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक नया फैसला है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाऊंगे, इस बीमारी से लड़ने वालों को ट्रांसपोर्टेशन सुविधा देने के लिए एनएचए और उबर ने एक साथ मिलकर साझेदारी भी की है, ताकि जो हेल्थ वर्कर्स जो सोशल वर्कर्स इस बीमारी से देश को बचाने में लगे हुए हैं ना, उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह की सुविधा मिल सके। इसके लिए 150 कारें भी उपलब्ध करवाएगी उबर कंपनी और ये एक उबर की तरफ से नई सर्विस शुरू की गई है, अच्छी बात है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पाऊंगे, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया दोस्तों कि 5 अप्रैल को बिजली बंदी से ग्रिड प्रभावित होने का कोई भी खतरा नहीं है। जी हां, तो दरअसल बात कुछ यूं है कि आपको पता होगा हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज यानी 5 अप्रैल को रात 9:09 तक घर की सभी लाइटें बंद करके दीपक मोमबत्ती टॉर्च मोबाइल की फ्लैश लाइट वगैरह कुछ भी आपको घर की बालकनी में खड़े होकर के जलानी है। ये पीएम मोदी जी ने देशवासियों से अपील की और सबको हमको मिलकर के संगठन दिखाना है दोस्तों, करना है आज रात में, ध्यान रखिएगा। लेकिन बात कुछ यूं है कि ऐसा करने से कई सारी इलेक्ट्रिक कंपनियां जो थी ना, उन्होंने सरकार को कहा कि ऐसा करने से ग्रिड पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है और मशीनें खराब हो सकती है वोल्टेज डिफरेंस के चलते। तो इस पर दोस्तों केंद्र सरकार ने क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया कि बिजली बंदी से ग्रिड वगैरह इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में कोई भी प्रभावित होने का खतरा नहीं है, ठीक है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि दोस्तों अंधेरे में दामोदर नदी पार कर बंगाल भागने की फिराक में 10 लोग पकड़े गए। ये वो मसला चल रहा है ना, आपको पता होगा मुस्लिमों वगैरह का धार्मिकता को लेकर, जमात वगैरह का जो मसला चल रहा है उसको लेकर ज्यादा अपडेट आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे दोस्तों कि एम्स हॉस्पिटल में इस बीमारी से पॉजिटिव मां ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और पिता भी इसी अस्पताल में डॉक्टर हैं। जी हां, तो इससे ये बात तो तय हो चुकी है, हालांकि वैज्ञानिक ऑलरेडी कह चुके थे लेकिन ये बात प्रमाणित भी हो चुकी है कि अगर कोई मां इस बीमारी से पॉजिटिव है, संक्रमित है, ग्रसित है, तो भी उसके गर्भ में पल रहे बच्चे यानी कि जन्म लेने वाले शिशु में इस बीमारी का कोई भी खतरा नहीं रहता। तो ये राहत की खबर है। और साथ ही अगला अपडेट देख पाऊंगे, गूगल कंपनी ने शेयर किया लॉकडाउन के बाद का डेटा और कहा कि 77% तक कम हुई आवाज आई। जी हां, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे फोन में गूगल मैप्स वगैरह होते हैं, हम लोकेशन अलाउ रखते हैं तो गूगल कंपनी हमारी लोकेशन को ट्रैक करती है, ये बात तो जाहिर सी है, राइट। और ऐसे में गूगल कंपनी आपके लोकेशन को ट्रैक करके ये पता कर सकती है आसानी से कि आज आप कहां कहां गए, रोज कहां घूमते थे। तो इसी आधार पर लोगों के डेटा की एक एनालिटिक्स निकाली गई जिसमें से दोस्तों 77% तक लोगों की आवाजाही कम हुई, यानी कि दुनिया भर में मानो एक लॉकडाउन सा लग गया, स्थिर हो गई है पूरी दुनिया। अर्थ जो है ना दोस्तों धरती, वो इस समय के लिए मानो रुकी हुई सी है। तो ये जानकारी है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे, लॉकडाउन के दौरान मारुति सुजुकी कंपनी ने डीलर्स को बड़ी राहत दी है, कंपनी 800 करोड़ रुपए की मदद करेगी। जी हां, पूरी दुनिया इस बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, दुनिया भर में इस बीमारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच भारत में भी इससे संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब दोस्तों इसका असर जो है ना, वो देश भर की इकोनॉमी पर पड़ेगा, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कारण क्या है तो आपको पता ही है, सब कुछ काम धंधे सब ठप है, मार्केट में फैक्ट्रीज वगैरह सब कुछ इंडस्ट्रीज बंद है। और इसी बीच मारुति सुजुकी कंपनी ने अपने डीलर्स के लिए एक बड़ा कदम उठाया, 800 करोड़ रुपए की मदद करेगी अपने डीलर्स को, सेल्स एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग वगैरह को, अच्छी बात है। और नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, नेस्ले कंपनी ने 15 करोड़ रुपए का दान करने का ऐलान किया दोस्तों, इससे बचाव के लिए, अच्छी बात है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रूंगे कि दोस्तों लॉकडाउन में राहत देने के लिए मदर डेयरी जो है उसने दिल्ली एनसीआर में 25 जगहों पर अस्थायी कियोस्क भी खोले हैं, जिससे कि लोगों को दूध वगैरह की सुविधा टाइम पर मुहैया हो सके। ये मदर डेयरी की तरफ से एक फैसला है। और एक और अपडेट देख सकते हैं, फेस कवर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है, इस तरह से कर सकेंगे इस्तेमाल। जी हां, जब भी आप घर से बाहर निकले दोस्तों, रूमाल वगैरह से किसी भी तरह के मास्क अगर आपके पास ना भी है तो भी आप किसी से भी स्टॉल रूमाल टुवाल वगैरह से अपना मुंह बांध कर ही निकले। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर अपने को जाना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई इमरजेंसी काम है तो भी मुंह पर ढककर ही निकले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से लोगों के बीच ये जानकारी शेयर की है। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं कि 2008 के संकट से भी बुरे हालात होंगे, इस बीमारी के चलते आने वाली मंदी साफ साफ दिख रही है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर खतरा समंडराया हुआ है, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से ये कहना है। और इस संकट का सबसे बड़ा असर गरीब और विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, विश्व बैंक भी इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है, ये देश की मंदी पड़ी इकोनॉमी को वापस बूस्ट करने के लिए क्या नए फैसले लेती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं, अब आप हीरो ड्यूट स्कूटर नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। BS4 BS6 वाहनों के नॉर्म्स के चलते कंपनी ने इसको अब बनाना, प्रोडक्शन इसका बंद कर दिया। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रूंगे, मर्सिडीज बेंज ने एक अच्छा फैसला लिया, इस मौके पर पुणे में बनाएगा 1500 बिस्तरों वाला आइसोलेशन वार्ड। जहां लग्जरी कारों की निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने इस बीमारी को देखते हुए एक अस्थायी
हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया। कंपनी इस हॉस्पिटल को पुणे के पास बनाएगी जिसमें 1500 बेड की व्यवस्था होगी और ये पूरी तरह से आइसोलेशन वार्ड के रूप में काम करेगा। ये अच्छी पहल है। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर, वेदर न्यूज अलर्ट के तहत आप देख सकते हैं मौसम विभाग की चेतावनी है। राजस्थान के इन जिलों में आंधी चलेगी और तेज बारिश भी हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान राज्य के अंदर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू जिलों में आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है और इसके अलावा कल इन जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा लेकिन इन इलाकों में बारिश के आसार हैं। तो दरअसल दोस्तों कल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा अधिकतर हिस्सों में। हालांकि इस दौरान भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में एक दो जगहों पर बारिश होने की चेतावनी है। इसके अलावा भी मौसम को लेकर अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ में भी ताजा बर्फबारी से एक बार फिर से मौसम बदल सा गया और एक अपडेट आ रहा है छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी में तेज हवाएं चलती हुई दिखाई दी, जमकर बारिश भी हुई छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट है झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित 9 जिलों में आंधी का अनुमान है। जैसे कि हमने आपको बताया राजस्थान राज्य के 9 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से भारी चेतावनी जारी की गई है। बादल गरजने, बिजली चमकने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। ये 9 जिलों के नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि बिहार सहित देश के मैदानी इलाकों में इस साल गर्मी बहुत ज्यादा सताएगी, गर्मी पड़ने वाली है, बहुत तेज शुरुआत होने वाली है इसकी। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे झारखंड में तापमान सामान्य से कम रहा, 3 दिन तक कई जिलों में बारिश होने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया और हरियाणा में भी 6 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई देगा। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 6 अप्रैल तक शुष्क रहने के बीच बीच हल्के में बादल और दिन में तापमान बढ़ोतरी और रात में तापमान में गिरावट संभावना दिखाई जा रही है। तो ये दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट के साथ ही आज की बड़ी खबरें टू द ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हां साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ऐसी कोई 3 बीमारियों के नाम बताइए दोस्तों जिनका अभी तक भी हमारी मेडिकल साइंस में इलाज नहीं हो पाया, इलाज नहीं बन पाया, जिनका कोई प्रॉपर वैक्सीन मेडिसिन नहीं बन पाई है। ऐसे 3 डिजीज का नाम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।